टेन्यूर ऑफ नवाज शरीफ 1997 टू 1999। नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत 1999 से 1999 तक। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्शन इन 1997, 13th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट लगारी, न्यू प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक ताडर, न्यूक्लियर टेस्ट, 15 अमेंडमेंट, रेजिग्नेशन ऑफ जनरल करामत, न्यू आर्मी चीफ, रिटायर्ड डेप्थ, एडवान द कंट्री स्कीम, सेंसिस ऑफ 1998 और लाहौर डिक्लेरेशन, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, कारगिल ऑफेंसिव एंड टर्मिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन इन 1997, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे के बाद फारूक लगारी ने बेनजीर हुकूमत की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और इसके बाद जो इलेक्शन जो शेड्यूल किया गया 9th इलेक्शन 3 फरवरी 1997 को। और इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है नवाज शरीफ की जो जमात, इसने मेजॉरिटी के साथ जो है सीटें जीत ली और इस तरह हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने नेशनल असम्बली में सीटें जीत ली और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के काबिल हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 137 सीट जीत ली, लेकिन उसकी अगेंस्ट में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सिर्फ 18 सीट जीत ली। नवाज शरीफ वॉज कन्फर्म्ड एज प्राइम मिनिस्टर बाई द नेशनल असेंबली रिसीविंग 177 वोट अगेंस्ट 16 फॉर द पीपल पार्टी कैंडिडेट आफ्ताब शबान मेरानी और नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए 177 वोट जो है नवाज शरीफ ने हासिल की और PPP के कैंडिडेट आफ्ताब शबान मेरानी ने सिर्फ 16 सीटिंग जीत ली। इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर बन गए नवाज शरीफ 18 फरवरी 1998 को, दोबारा जो है 1997 को, और दोबारा जो है अपनी काबिना बनाने के काबिल हो गए। 13 अमेंडमेंट्स, द नेशनल असेंबली यूनानिमसली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 13 अमेंडमेंट्स इन अप्रैल 1997 बाई 2/3 मेजॉरिटी। अब क्योंकि नवाज शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी थी, तो इसे उन्होंने 13वीं आईनी तरामीम जो लाने की कोशिश की। इस तरामीम के जरिए जो प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार को बढ़ाना और सदर के अख्तियार को कम, जो कि 58(2)(b) के जरिए सदर को दिया गया था तमाम अख्तियार, उसको वापस ली गई। क्योंकि सदर जो है इसके जरिए जो है सदर जो है वो अपॉइंट कर सकते थे 3 जो आर्म फोर्स के चीफ्स को और चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को और तमाम गवर्नर्स को, तो इसको पाबंद बनाया गया प्राइम मिनिस्टर के, तो इस तरह सदर के अख्तियार को कम करने की कोशिश की गई। 13 अमेंडमेंट के जरिए जो कंट्रोवर्शियल एड अमेंडमेंट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और इस तरह सदर के अख्तियार को काफ़ी हद तक कम कर दिया और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को जो है बहाल कर दिया गया। और 58(2)(b) के खात्मे के बाद जो प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट जो को अब सदर जो है वो अब आसानी डिजॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले जो है इसी 58(2)(b) का इस्तेमाल करके जो है 4 दफ़ा 1985 से 1997 तक 4 दफ़ा वज़ीर आज़म को सदर ने फारिग कर दिया था। इस वजह से 13 अमेंडमेंट के जरिए जो है नवाज शरीफ ने कोशिश की सदर के अख्तियार को कम करने की और उसको वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद कर दिया। 14th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास इन July 1997। इनकी अब 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नवाज शरीफ की दोस्त में ही पास कराई गई। ये अमेंडमेंट बेसिकली फ्लोर जो है हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से थी, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स थे वो एक पार्टी का टिकट लेने के बाद में असेंबली में पहुंचने के बाद वो अपना पार्टी एफिलिएशन और पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए नवाज शरीफ ने 14 अमेंडमेंट्स जो है ये तरमीम लाए, जिसके जरिए अगर कोई भी मेंबर अपनी पार्टी की सीट जीत के अगर इलेक्शन लड़ने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं तो उस सूरत में उसको सजा दी जाएगी, उसको अपना पार्टी का ओहदा भी छोड़ना पड़ेगा उसने, और पार्टी की सीट से जो निशान उसने जीत ली उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इस तरह जो है पॉलिटिशियंस को जो है पार्टी बार बार पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का जो एक रुझान था उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। प्रेसिडेंट लगारी नवाज शरीफ फेस सीरियस कन्फ्रंटेशन विद द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव व्हिच इवेंचुअली लेड टू द रिजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट लगारी ऑन December 2, 1997। नवाज शरीफ और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सदर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते चले गए और इस तरह
प्रेसिडेंट लगारी ने 2 दिसंबर 1993 को जो है ओहदे से इस्तीफा दे दी। न्यू प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक ताड़र जो है, जो कि फार्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के और सेनेटर भी थे, उनको जो है उसकी जगह पर न्यू प्रेसिडेंट मोहम्मद रफीक ताड़र जो है प्रेसिडेंट लगारी की जगह पर रफीक ताड़र को जो है नया प्रेसिडेंट बना दिया गया। वो जो है प्रेसिडेंट रफीक ताड़र जो है वो फार्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के और उसके अलावा वो सेनेटर भी थे, और इनको जो है इलेक्ट किया गया एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने अपने ओहदे का ओथ लिया January 1, 1997 को, और जो है प्रेसिडेंट लगारी ने December 2, 1997 को ओहदा छोड़ा था, और इसकी जगह पर रफीक ताड़र को जो है मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल थी। और इस तरह जो है नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने रफीक ताड़र को नॉमिनेट किया था, और जो है इस तरह वो कामयाब हो गए। और उन्होंने जो है जो इलेक्ट्रल कॉलेज से या इलेक्शन के दौरान जो सीटें जीती 374 सीटें जीती आउट ऑफ 457, और इस तरह पाकिस्तान के 90 जो है सदर बन गए। 15 constitutional amendment to the constitution was passed by National Assembly of Pakistan on 28 August 1998। 15वीं तरमीम भी लाने की कोशिश की गई नवाज शरीफ के दौर में, लेकिन कौमी असम्बली से इसको पास कराया गया, लेकिन सेनेट ने इसको पास नहीं किया। इस अमेंडमेंट के जरिए जो आर्टिकल 2B, एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे नवाज शरीफ, और इसके अलावा आर्टिकल 239 को चेंज करना चाह रहे थे, जिसके जरिए जो शरीयत लॉ को मुल्क का सुप्रीम लॉ बनाना था, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत जो कुरान और सुन्नत के तहत जो मुल्क का निज़ाम इंट्रोड्यूस करने के लिए अमेंडमेंट पेश की गई, लेकिन ये अमेंडमेंट पास नहीं हो सका क्योंकि सेनेट ने इसको पास नहीं कराया। न्यूक्लियर टेस्ट ऑन May 28, 1998 पाकिस्तान बिकेम ए न्यूक्लियर पावर व्हेन इट सक्सेसफुली कैरीड आउट 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट चांगी इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। 28 मई 1998 को नवाज शरीफ की दौर में पाकिस्तान ने अपना पहला एटमी धमाका किया 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए चांगी के मुकाम पर बलूचिस्तान में। दिस वॉज इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बाई इंडिया जस्ट 2 वीक अर्ली। इससे पहले इंडिया 2 हफ्ते पहले जो 5 जो एटॉमिक एक्सप्लोजन कर चुके थे, और लेकिन पाकिस्तान के एटमी एक्सप्लोजन के बाद इंटरनेशनल कंपनी ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम पर को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस के लिए और एज ए डिटरेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर इंडिया और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह हाईलाइट करने की कोशिश की। इंडिया हैड ऑलरेडी पोस्ट न्यूक्लियर थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान इवन सिंस इट टेस्टेड अ न्यूक्लियर डिवाइस इन May 1974। इससे पहले हिंदुस्तान 1974 में वो अपना पहला एटमी धमाका कर चुके थे, इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी था कि वो अपना भी एटमी हथियार बना ले ताकि एक बैलेंस जो है खत्ते के अंदर डेवलप हो सके और पाकिस्तान अपनी सेल्फ डिफेंस कायम कर सके। तो इस तरह जो है 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके दुनिया की जो है अहम ममालिक में शामिल हो गए। रिजिग्नेशन ऑफ जनरल करामत द 15th अमेंडमेंट वाज प्रिज्यूम्ड टू बी एफर्ट बाय नवाज शरीफ टू एक्वायर एडिशनल पावर फॉर हिमसेल्फ। 15 अमेंडमेंट का दूसरा अहम मकसद वज़ीर आज़म जो अपने अख्तियार को बढ़ाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से सून ए सीरियस कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्रंटेशन एमर्ज ऑन द सीन बिटवीन हिम एंड ए मिलिट्री जनरल, जिसकी वजह से नवाज शरीफ और मिलिट्री जनरल करामत के दरमियान जो अख्तलाफात बढ़ गए। द कन्फ्रंटेशन लेड टू द रिजिग्नेशन ऑफ जनरल जहांगीर करामत ऑन October 7, 1997, और इस तरह जो जहांगीर करामत जो उन्होंने रिजाइन की 7 अक्टूबर 1998 को। न्यू आर्मी चीफ जनरल करामत वाज रिप्लेस बाय जनरल परवेज मुशरफ, और नवाज शरीफ ने और सीनियर जो है जनरल को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की बजाय परवेज मुशरफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। रिटायर्ड डेप्ट एडॉन द कंट्री स्कीम, इनकी कर्ज चुकाओ मुल्क सवारों की स्कीम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अपनाया। इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस वक्त मुल्क की बहुत ही हालत खराब थी, और बहुत ज़्यादा जो आर्मी का जोर था पाकिस्तान
की जो लोन हमने वापस करना था, तो नवाज शरीफ ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया, रिटायर्ड डेट ऑन द कंट्री, यानी कि कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से। और इसकी अपील पर जो है मुल्क ने जो है लोगों ने 17 बिलियन जो है रुपीज जमा कर दिए, और इस तरह काफ़ी हद तक फॉरेन लोन को कर्ज पूरा करने की कोशिश की गई। और इस तरह जो है 19 जून 1999 तक जो है 17 बिलियन पैसे जो है जमा हो गए कौमी खजाने में। सेंसस ऑफ 1997 1998 की आम में जब मरदम शुमारी कराई गई नवाज शरीफ के दौर में, तो उस वक्त जो है 13 करोड़ पाकिस्तान की आबादी पहुंच गई थी, इनकी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। नवाज शरीफ ने इंडिया के साथ अपनी मामलात को नॉर्मलाइज करने के लिए जो है बहुत से इकदाम किए, जिसमें फरवरी 1999 को उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 1999 में वाघा बॉर्डर के जरिए जो ट्रेन के जरिए लाहौर आए, और नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान मुख्त माहों पर दस्खत हुए, जिसको लाहौर डिक्लेरेशन कहा जाता है। द डिक्लेरेशन स्पेल्ड आउट वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन बाय द टू कंट्रीज टू नॉर्मलाइज द रिलेशन बिटवीन देम एक्सेप्ट फॉर जमियत इस्लामी के अलावा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है इस वाजपेयी के दौरे को वेलकम किया, और ये कोशिश की गई कि और ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात हर हाल में बेहतर करना चाहता है। 1999 ए वार ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन करगिल, लेटर ऑन इंटरवेंशन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन बोथ कंट्रीज डिक्लेयर सीज़फ़ायर। नवाज शरीफ के दौर में कारगिल की जंग छिड़ गई, और एन मुमकिन था कारगिल की जंग पाकिस्तान जीत जाती। उसी दौरान अमरीकी बिल क्लिंटन के प्रेशर पर जो है नवाज शरीफ ने कारगिल से अपनी अफवाज वापस बुला ली, और इस तरह जो है सीज फायर करने पर हम मजबूर हो गए, और हम कारगिल की वार जो एक तरफ से हार गए 1999 में। टर्मिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन अक्टूबर 12, 1999 द पाकिस्तान आर्मी वंस अगेन ऑस्टेज द सिविलियन गवर्नमेंट। एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ हेडेड द गवर्नमेंट। द कोप इमीडिएटली फॉलोड द प्रीमियर अटेम्प्ट टू रिप्लेस द आर्मी चीफ व्हाइल ही वाज ऑन अ टूर टू श्रीलंका। After 2 days on chilling uncertainty, Chief of Army Staff General Parvez Musharraf assumed the title of Chief Executive. 1999 में नवाज शरीफ ने कारगिल जंग के बाद कोशिश की, जब जो है परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे, तो उस दौरान जो उनकी जगह पर दूसरे जनरल को आर्मी चीफ बनाने का बाकायदा प्लान बनाया, और कराची एयरपोर्ट पर जो है मुशर्रफ के प्लेन को उतरने नहीं दिया। तो इस तरह जो है नवाज शरीफ ने मुशरफ को हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद ये कि मुशरफ ने जो है नवाज शरीफ को ही अहदे से फारिग कर दिया, और 12 अक्टूबर 1999 को दोबारा मुल्क में जो है मार्शल लगा दिया गया, और चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए जनरल परवेज मुशरफ।